नमस्कार, सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का सामाजिक विज्ञान की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि हार मत मानना उन लोगों को याद करके कि जिन्होंने कहा था कि ये काम तुमसे नहीं होगा, अर्थात तुमसे न हो ऐसा कोई दुनिया में कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको मेहनत बरकरार रखनी है। इसी सुंदर से सुविचार के साथ एक मिनट के लिए माता सरस्वती को याद करते हैं। सुंदर से सुविचार के बाद आप लोगों के स्क्रीन पर वो लेशन का चार्ट मौजूद है जो लेशन इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाले हैं, जिसमें पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा और आठवां लेशन हम लोगों का पूरा हो चुका है। नौवां लेशन हम लोगों का चालू था। नौवें लेशन का नाम आप लोगों को मालूम है कि वन और वन्य जीव संसाधन नाम का लेशन हमने चालू किया था, जिसके अंतर्गत हमने वन्य जीवों के वन के प्रकार और उसमें के बाद वैविध्यपूर्ण वन्य जीव और लुप्त होने वाले वन्य जीव, लुप्त होने वाले वन्य जीवों के पीछे के जो कारण है वहाँ से हम लोगों को देखना बाकी है। हम लोगों ने अगले वीडियो के अंतर्गत भारत में कौन कौन से प्राणी लुप्त हो रहे उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब वन्य जीवों के विनाश के पीछे के कुछ एक कारण जो जवाबदार है उन कारणों के बारे में आपको लिखने का प्रयत्न करना है। तो सबसे पहला कारण आप लोगों की स्क्रीन पर है कि जंगलों के क्षेत्रों में घास भूमि या जो जल प्रवाहित क्षेत्रों में होने वाली मनुष्य की, इन शॉर्ट केवल आपको इतना याद रखना है कि मनुष्य की जंगलों में होने वाली दखल अंदाजी की वजह से वन्य जीवों का विनाश हो रहा है। पहला मुद्दा वापस एक बार कि जंगलों में मनुष्य की दखल अंदाजी के कारण वन्य जीवों का विनाश हो रहा है। दूसरा मुद्दा आप लोगों को लिखना है, जंगलों का विनाश प्राकृतिक असंतुलन के कारण, मतलब प्राकृतिक असंतुलन के कारण भी वन्य जीवों का विनाश हो रहा है। पहला, मनुष्य की दखलंदाजी के कारण वन्य जीवों का विनाश हो रहा है। दूसरा, जंगलों के विनाश का प्राकृतिक असंतुलन या तो प्राकृतिक असंतुलन के कारण भी जंगलों का विनाश हो रहा है। नंबर चार, तीसरा, बाल, खाल, हड्डी, सींग, नाखून वगैरह प्राप्त करने के लिए भी वन्य जीवों का विनाश हो रहा है। फिर से एक बार तीन मुद्दे हुए आपके। पहला, जंगलों में मनुष्य की दखलंदाजी के कारण वन्य जीवों का विनाश हो रहा है। नंबर दो, प्राकृतिक असंतुलन के कारण, मतलब जंगलों का प्रमाण जो कम हो गया है उसकी वजह से प्राणी जो है वो मतलब जमीन में या तो घर तक पहुंच जाते, जिसकी वजह से भी जंगलों का विनाश या तो वन्य जीवों का विनाश होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद का जो तीसरा मुद्दा आप लोगों को लिखना है उसके अंतर्गत आप लोगों को लिखना है कि मनुष्य की द्वारा
प्राणियों की बाल, खाल, हड्डी, सींग, उनके नाखून वगैरह जो प्राप्त करने के लिए भी वन्य जीवों का विनाश हो रहा है। तीन मुद्दे हुए। चौथे के अंतर्गत जो आप लोगों को लिखना है उसमें खासकर मनुष्य के लोभ लालच की वजह से जंगलों का मतलब दिन प्रतिदिन कटाव हो रहा है। ये तो कोई बहुउद्देशीय योजना है, रेलवे ट्रैक बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, मॉल वगैरह बनाना है, तो उसकी वजह से भी वन्य जीवों का विनाश होता हुआ दिखाई देता है। तो आप लोगों के चार मुद्दे आसानी से आप लोग दो अंकों के अंतर्गत यदि सवाल आप लोगों को पूछा जाए बोर्ड के अंतर्गत तो आप सरलता से इसको लिख सकते हैं। फिर से एक बार आप लोगों को चार मुद्दे टैले करवा दूँ कि पहला मनुष्य के जंगलों में होने वाली दखलंदाजी, दूसरा प्राकृतिक असंतुलन, तीसरा बाल, खाल, हड्डी वगैरह प्राप्त करने के लिए वन्य जीवों का विनाश, और चौथा मनुष्य की लोभ और लालच या तो अलग अलग प्रकार की जो सड़कों का निर्माण करना, बहुउद्देशीय योजनाओं का निर्माण करना वगैरह परिबलों की वजह से भी जंगलों का विनाश होता हुआ या तो वन्य जीवों का विनाश होता हुआ दिखाई देता है। चार मुद्दों के बाद आप लोगों का पांचवा जो मुद्दा आप लोगों को बनाना है उनके अंतर्गत की यदि मैं बात करूँ तो उसमें आप लोगों की स्क्रीन पर देखो लिखा हुआ है कि घास चारा है, ईंधन है, पशु की चराई है, या तो जंगलों पर दबाव बढ़ रहा है और जंगल कट रहे और जंगल कटेंगे तो उसकी वजह से जंगलों में लगने वाली आगों की वजह से भी वन्य जीवों का विनाश होता हुआ दिखाई देता है। तो पांचवा मुद्दा सर हम कौन सा बनाएंगे, तो आप लोगों को सिंपल सा मुद्दा बना लेना है कि जंगलों में लगने वाली आग के कारण भी वन्य जीवों का विनाश हो रहा है। नंबर छः, स्वयं प्राकृतिक निवास नष्ट होने से प्राणी कभी कभी बेघर हो जाते हैं। आपको मालूम है कि जब वन रहेगा नहीं तो वन्य जीव रहेंगे कहाँ पर, और उसकी वजह से भी वो वन्य क्षेत्र छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं और कई कई बार अपने जीव को भी जोखिम में डालते हैं। अर्थात आपका सिंपल सा मुद्दा ये बनेगा कि भाई प्राणी बेघर हो गए हैं जिसकी वजह से भी वन्य जीवों का विनाश हो रहा है। और अंतिम मुद्दा, प्राणी या औषधि या तो सुगंधित द्रव्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला शिकार, मतलब वन्य जीवों का शिकार की वजह से भी वन्य जीवों का विनाश हो रहा है। छः से सात मुद्दे आप लोगों को पुनः एक बार बता दूं कि सबसे पहले आप लोगों ने लिखा मनुष्य की दखलंदाजी, दूसरा लिखा प्राकृतिक असंतुलन, तीसरा लिखा बाल, खाल, हड्डी, सिंग वगैरह प्राप्त करने के लिए, चौथा लिखा मनुष्य की जो लालच है उसकी वजह से भी वन्य जीवों का विनाश हो रहा है, पांचवा आप लोगों ने लिखा कि जंगल में लगने वाली आग की वजह से वन्य जीवों का विनाश हो रहा है, नंबर छठा लिखा आप लोगों ने प्राणी जो बेघर हो रहे उसकी वजह से भी कभी कभी वन्य जीवों का विनाश होता है, और सातवा जो आप लोगों ने लिखा कि मनुष्य जो औषधि वगैरह प्राप्त करने के लिए सुगंधित द्रव्यों की प्राप्ति करने के लिए वन्य जीवों का विनाश करता है उसकी वजह से वन्य जीव धीमे 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 कम हो जाते हैं। उसके बाद नीचे आप लोगों को जो एक प्राणी का चित्र दिया है दो अंकों में, कदाचित उसका सवाल आपको पूछे कि लाल पांडा का परिचय दीजिए, तो लाल पांडे का चित्र आप लोगों के सामने लिखना कैसे हुआ आपको बता दूँ कि भारत के पूर्व हिमाचल के ठंडे प्रदेश में ये पाया जाता है। दूसरा, इसका भोजन ये क्या क्या खाता है, तो कि बांस की कोपल, अंडे, छोटे छोटे जीव जंतु वगैरह ये खाता है। नंबर तीन, ये दिन में सक्रिय कम रहता है, इसका मतलब ये रात को अधिकतर कार्यरत रहता है, और भारत के अलावा ये चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार वगैरह देशों के अंतर्गत पाया जाता है। मतलब लाल पांडे का परिचय यदि आप लोग लिखते हो तो उसके अंतर्गत सबसे पहले पूर्व हिमालय के ठंडे प्रदेशों में ये पाया जाता है, दूसरा इसका भोजन क्या है तो कि बांस की कोपल है, छोटे कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु है वगैरह। तीसरा मुद्दा इसके अंतर्गत जो आप लोग लिखना चाहोगे तो उसके अंतर्गत लिख सकते हो कि दिन में कम कार्यरत रहता है, ये अधिकतर रात को कार्यरत रहता है। और आगे का जो मुद्दा इसके अंतर्गत कि भारत के अलावा ये कहाँ पाया जाता है,
तो कि चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है वगैरह देशों के अंतर्गत इसको प्राप्त किया जाता है। इस तरह से आप लोग लाल पांडे का परिचय भी सरलता से लिख सकते हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी यदि आप लोगों को चाहिए तो मेरा संपर्क नंबर पर फोन करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।